चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है गुफाएं, जो मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहां से भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके कंफर्म है। कोई भी एमपी का एग्जाम दोगे, आपको गुफाएं से क्वेश्चन आते हैं। गुफाएं मतलब केव। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं मैं आपको सब बताऊंगा। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या किया थे, पूरे मेले करे थे, तो उसी प्रकार ट्रिक से हम क्या करेंगे, आज गुफाएं करेंगे। ठीक है, तो लिखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कहां पे है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं वो कौन सी है? भीम बेटका, मतलब हम चलते हैं कहां पे, रायसेन जिला। ठीक है, तो पहला लिखिए यहां पे रायसेन अब रायसेन में देखना है हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, है ना? तो सबसे पहले यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट गुफा है वो कौन सी है बताइए, भीम बैठका। भीम बैठका की गुफाएं, ठीक है। और देखिए और कौन सी गुफाएं हैं यहां पे, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। और कौन सी गुफाएं हैं यहां पे, पार्वती गुफाएं। पार्वती गुफाएं, रायसेन जो जिला है हमारा, जो भोपाल संभाग में आता है, डिवीजन है भोपाल, और उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है रायसेन। 40 किलोमीटर बस है कहां से, भोपाल से, रायसेन। और सांची जो आपने सुना होगा जो बौद्ध के लिए फेमस है वो भी यहीं पर है। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब गुफाओं में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भीम बेटका की गुफाएं हैं। आपसे पूछेगा ये कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे, रायसेन में। रायसेन के भी कहां पर, अब्दुल्लागंज में, अब्दुल्लागंज। और यहां से क्वेश्चन पूछता है ये विश्व की सबसे बड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह है, गुफा समूह है, तैल चित्रों के लिए फेमस है, तैल चित्र। हाँ, ये जगह का नाम है अब्दुल्लागंज, ये भी रायसेन में है, वहां पर ही पड़ती है। भीम बेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज में। इसका एक फैक्ट लिखिए, विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह है ये। ठीक है, दूसरा चिकली शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए फेमस है शैल चित्र के लिए। और ये प्रागैतिहासिक कालीन, प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं, इसका मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। क्या बोलते हैं इसको, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा क्या होता है? कि ये उस समय की घटना है जब हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे। ठीक है, जब जो आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, इतिहास, वो 3 पार्ट में बटा है। एक है प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरिक कहते हैं, फिर एक आता है आद ऐतिहासिक काल जिसमें प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, और एक होता है हिस्ट्री, इतिहास। मतलब प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। उसके बाद आता है प्रोटो, कहां प्रोटो में क्या आता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वेद आने लगते हैं। मतलब जहां पे हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं मगर हम उनको पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी लिपि बहुत टफ है। और इतिहास मतलब जहां पे हमें लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं। तो इतिहास 3 भागों में डिवाइड है, प्राचीन, मध्य और माने आधुनिक, मतलब एंशियंट मॉडर्न और सॉरी एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न में। समझ में आया? तो ये उस समय की है, प्रागैतिहासिक काल गुफाएं कहा जाता है इसको। ठीक है, कोई बताएगा इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी, विष्णु वाकटकर जी ने की थी, और कब करी थी, 1957। और आपको पता होगा ये यूनेस्को में भी शामिल है,
यूनेस्को में भी शामिल है 2003 में। ये फैक्ट इसके बारे में लिख लीजिए आप। क्लियर कि भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन, वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसको भोपाल लगा देते हैं। विष्णु वाकट जी वहां से गुजर रहे थे तो उनको कुछ दिखा, और जब विंध्याचल की पहाड़ी में दिखता है तो बाद में जाके वो उनकी खोज करते हैं। 1957 की बात है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी खोज कौन करते हैं, विष्णु वाकटकर जी ने 1957 में। यूनेस्को में भी 2003 में ये शामिल है। और प्राग्तिहासिक कालीन गुफाएं हैं, सेल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह है। क्लियर। आगे लिखिए क्या, मृगेन्द्रनाथ की गुफाएं। अभी मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद करना है, इनकी फैक्ट लिखिए थोड़ा। चलिए, मृगेन्द्रनाथ की गुफाएं कहां पर हैं, रायसेन में। कहां पर है, रायसेन में। और पार्वती गुफाएं भी कहां पर हैं, रायसेन में। अब देखिए यहां पर रायसेन को आपको जोड़ना है राशन से, राशन मतलब होता है खाना। तो भीम क्या होता है, भीम काफी मैंने हट्टा कट्टा था, तो इसके बेटे को भी क्या पड़ेगी, बहुत राशन की जरूरत पड़ेगी। तो भीम का जो बेटा है उसको रायसेन की जरूरत पड़ेगी, तो कहां पे है, रायसेन में। उसी प्रकार मृगेन्द्र मतलब होता है शेर, तो शेर को भी क्या होता है, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, मतलब राशन की जरूरत पड़ती है। और पार्वती जी का भी बेटा कौन होता है, गणेश भगवान। और गणेश भगवान भी क्या होते हैं, जिन्हें लंबोदर बोला जाता है, बहुत भी ज्यादा उनको राशन की जरूरत पड़ती है। तो आपको बस ये याद रखना है कि भीमबेटका की गुफाएं, मृगेन्द्रनाथ की गुफाएं और पार्वती की गुफाएं, तीनों को राशन से जोड़ना है, क्योंकि यहां पे भीम के बेटों को भी बहुत राशन लगेगा, मृगेन्द्रनाथ मतलब शेर को भी बहुत राशन लगेगा, और पार्वती के बेटे गणेश को भी बहुत राशन लगेगा। तो भीमबेटका की गुफाएं, मृगेन्द्रनाथ की गुफाएं, पार्वती की गुफाएं कहां पर है, रायसेन जिले में। समझ में आया, तो इस प्रकार से आप याद रखिए। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है भीमबेटका की गुफाएं, तो ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिए धार, दूसरा लिखिए धार। हमें देखना है धार में कौन कौन सी गुफाएं हैं। यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं है, पहली तो बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, ठीक है, लोहानी की गुफाएं, लोहानी की गुफाएं और सात कोठरी की गुफाएं, सात कोठरी की गुफाएं, ठीक है। अब आपको बढ़िया ट्रिक से याद रखना है बाघ, जो मैंने बताया था, बाघ के नखुन में क्या होती है, धार होती है, बताया था। तो बाघ की गुफाएं कहां होंगी, धार में। लोहानी मतलब लोहा में क्या होता है, धार होती है, तो लोहानी की गुफाएं कहां होगी, धार में। और सात कोठरी मतलब होता है घर, तो सात कोठरी से जोड़ लेना आप घर को, तो आपको बन जाएगा कि सात कोठरी कहां होती है, घर में। तो बाघ की गुफाएं, लोहानी की गुफाएं और सात कोठरी गुफाएं कहां है, धार जिले में। क्लियर है, धार बस याद रखना है आपको। इसलिए मैंने बताया था कि माही नदी भी मतलब माही के बल्ले में क्या होती है, धार होती है, तो माही नदी कहां मिलती है, धार में। और ये कर्क रेखा और इस पे धार है ना, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटेगी, क्योंकि धार है ना इस पे, तो जो कर्क रेखा है टॉपिक ऑफ कैंसर है, उसको दो बार काटती है, कौन सी, माही नदी। क्लियर। और आपको बस याद रखना है बाघ की गुफाएं, लोहानी गुफाएं और सतकोठरी गुफाएं, क्योंकि इनमें धार रहता है और धार से धार जोड़ देना। अब बाघ की गुफाएं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाघ नदी के किनारे है, बाघनी नदी के किनारे है, दूसरा फैक्ट लिखिए इसी का, गुप्तकालीन है, गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था, इनकी संख्या 9 है, कितनी है, 9 संख्या है, और इसका कंपैरिजन भी किया जाता है किससे, अजंता की गुफाएं से, अजंता की गुफाएं से। इन्हें रॉक कट केव भी कहा जाता है, रॉक कट केव्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूछेगा किस धर्म से संबंधित, तो क्या बोलोगे, बाहर आए मतलब कहां जाओगे,
बौद्ध धर्म भाई, ठीक है? और कोई बताएगा इसकी खोज किसने की थी? डेंजर, डेंजर फील्ड 1818 में। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे, समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाएं, और बाघ में क्या होती है? धार। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मतलब बागनी नदी किनारे है, गुप्तकालीन है ये, गुप्तकालीन के समय बनी थी। दूसरी चीज, यहां पर संख्या कितनी है? 9 है। कितनी है? 9। यहां पर जो गुफाएं की संख्या है कितनी है? 9 है। इसके बाद अजंता की गुफाएं से इसको कंपेयर किया जाता है, और इसे रॉक कट केव भी कहा जाता है। देखिए, अजंता में भी ता आ रहा है ना, ता आ रहा मतलब गुप्त वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गुप्त वंश ने। और ये बा आ रहा है ना, बा, तो याद रखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म, कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की थी, तो क्या बोलोगे आप? डेंजर फील्ड। ये क्वेश्चन आया है, किसने खोज की थी? डेंजर फील्ड, ठीक है? बाकी तो आप जानते हो, लोहानी की गुफाएं में लोहे में धार होती है, तो धार से जोड़ लीजिए। सात कोठरी कहां होती है? घर में होती है, उससे जोड़ लीजिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखिए, अब हमें चलना है कहां पे? विदिशा। विदिशा भी भोपाल का संभाग है, विदिशा। विदिशा में देखना है, विदिशा में आपको याद रखना है। देखिए, विदिशा में दो गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट मिलती हैं, जिसका नाम है एक खंडगिरी और एक है उदयगिरी, जिसमें उदयगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, दोनों में गिरी आ रहा है, गिरी आ रहा है मतलब ये जैन धर्म से संबंधित होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि जहां गिरी आएगा वहां पर जैन धर्म से संबंधित मिलेगा, बताया था। तो एक तो आपको कंफर्म हो गया जैन से संबंधित है ये, ठीक है? तो जैन और बौद्ध दो धर्म से संबंधित है, कौन सी? उदयगिरी की गुफाएं, ठीक है? सॉरी, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। कौन सी? हिंदू और जैन, कंफ्यूज मत होइए, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है विदिशा। और यहां पे गिरी आ रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसको अपनी दिशा नहीं दिखती, याद रखना। तो खंडगिरी और उदयगिरी कहां पे मिलती है? विदिशा में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गिर जाएगा तो उसको क्या होगा? दिशा नहीं दिखेगी, और गिरी मतलब होता है पर्वत। क्लियर? यहां पे विदिशा में याद रखिए आपको कि दो यहां पे वो पाई जाती है गुफाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें से पहली है उदयगिरी। एक उदयगिरी की गुफाएं और दूसरी है कौन सी? खंडगिरी। अब देखिए, दोनों में गिरी आ रहा है ना, जो गिर जाएगा उसको दिशा नहीं दिखेगी, तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहां मिलेंगी? विदिशा में। अब उदयगिरी में जो गुफाएं की संख्या है, देखिए ये 20 है। कितनी है? 20 संख्या है। 20 में से जो 4 से 5 है, जो 4 से 5, सॉरी 2 से जो 5 है, इनको लोकल भाषा में, वहां पे लोकल भाषा में पांडव गुफा भी कहते हैं। पांडव गुफा, पांडव गुफा कहते हैं। कौन सी भाषा में? लोकल भाषा में। कौन सी भाषा में? लोकल भाषा में। टोटल कितनी है ये? 20। अब मुझे बताइए किस धर्म से संबंधित है? तो आपको मैंने अभी बताया, बिल्कुल याद रखिए, हिंदू और गिरी आ रहा है तो जैन धर्म। और एक और इसको लिख लीजिए, मैंने इसको बताना भूल गया, ये जो पढ़े थे ये भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित हमारी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है उदयगिरी की गुफाएं। इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 20 है। 20 में से 2 से 5 जो होती है उनको लोकल भाषा में पांडव गुफा कहते हैं, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। और जो पांचवी गुफाएं हैं, पांचवी नंबर की जो गुफाएं हैं, उसमें वरा अवतार है। क्वेश्चन आया है वरा अवतार, ये विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से एक है, जिस पर विष्णु भगवान पृथ्वी को जल से बचाते हैं, उठा लेते हैं, तो वो वरा अवतार कहलाता है।
पहला कछुए का अवतार था, है ना। तो ये पांचवी, जो पांचवी गुफा है, जो पांचवी नंबर की गुफाएं हैं, वराह अवतार से संबंधित है। और जो 19वीं नंबर की गुफाएं हैं उसे अमृत गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत गुफा। समझ में आ रहा है? और उदयगिरी की गुफाएं भी गुप्तकालीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये क्वेश्चन आ चुके हैं। इनके धर्म भी याद रखिए आप। ठीक है, क्लियर? अब खंडगिरी की बात करते हैं हम। इसको थोड़ा सा और लिख लीजिए। ये 16वीं से 17वीं शताब्दी में बनी थी। गुफाएं यहां पे है ना, 2 से जो 5 गुफाएं थी इनको लोकल भाषा में पांडव गुफा भी कहते हैं। जबकि एक पांडव गुफा कहां पे है? पचमढ़ी में देखने मिलती है। कहां पे देखने मिलती है? पचमढ़ी में। क्लियर इतनी चीज? चलिए, उदयगिरी की गुफाएं हो गया। अब इसके बाद लिखिए खंडगिरी की गुफाएं। तो खंडगिरी में आपको लगाना है बौद्ध और जैन धर्म। कौन सा? बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। बस खंडगिरी में आपको लिखना है ये बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर? ठीक है, अगली लिखिए। कहां चले? उज्जैन चलते हैं। उज्जैन में भी एक बहुत फेमस है, जो फेमस है मैं उसके बारे में डिटेल बता रहा हूं आपको। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं यहां से भी एक है जिसका नाम है कौन सी? भर्तृहरि। एक भर्तृहरि की गुफाएं हैं और एक है कालिया देह की गुफाएं। अब आपने देखा होगा भर्तृहरि और कालिया देह की। भर्तृहरि जी जो थे वो सन्यासी थे, वैराग जीवन अपना लिए थे उन्होंने। नीति शतक, वैराग शतक और सिंगार शतक जैसी किताब भी लिखे हैं। सतसई भी कहा जाता है इनको। और भर्तृहरि एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी समाधि स्थल कहां पे? राजस्थान में मिलती है, सरिका, जहां पे अलवर नेशनल पार्क है। क्वेश्चन आया हुआ है किसकी समाधि मध्य प्रदेश से बाहर मिलती है, तो क्या बोलोगे? राजस्थान में किसकी? भर्तृहरि जी की। ठीक है, तो भर्तृहरि जी है। तो भर्तृहरि जी ने क्या करते थे? ये वैराग जीवन अपना लिए थे। वैराग जीवन मतलब ये राख लगाते थे अपने शरीर में। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा जो भस्म आरती होती है उज्जैन में, वो जलती हुई चिता की राख से होती है, ताजी राख से। जो भस्म आरती अपने फेमस महाकाल की सुने होंगे, तो जो भर्तृहरि जी है वो राख लगा लेते। तो राख लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे? काले। समझ में आ रहा है? तो भर्तृहरि की गुफाएं, ये क्या लगाते थे? राख लगाते थे। और राख जब लगाते थे तो क्या हो जाते थे? ये काले हो जाते थे। और काले हो जाते थे। दोनों की गुफाएं कहां पे मिलती है? उज्जैन में। मगर क्वेश्चन यहां से ज्यादा नहीं बनता, भर्तृहरि से बनता है। तो भर्तृहरि के बारे में लिख लीजिए। भर्तृहरि के बारे में सबसे पहले लिखिए, परमार वंश की है, परमार कालीन है। और कब इनका निर्माण? 11वीं शताब्दी में हुआ है। और ये रंगीन गुफाएं हैं, रंगीन गुफाएं हैं। क्वेश्चन आया है कलरफुल, है ना। तो परमार डायनेस्टी थी तब इसका निर्माण माना जाता है। और किस नदी किनारे है आपको अच्छे से पता है? कौन सी नदी बहती है यहां पे? क्षिप्रा नदी, जैसे मध्य प्रदेश की वो मालवा की गंगा भी कहा जाता है। क्लियर? तो परमार कालीन है, 11वीं शताब्दी में बनी थी, रंगीन गुफाएं हैं और क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहां पे गोपीचंद की गुफाएं भी, इनके भतीजे थे।
भर्तहरि जी जो थे, इनकी तीन किताब बहुत फेमस है, वैराग्य शतक, और मैंने बताया था एक, अभी बताया ना, एक वैराग्य शतक बताया, एक नीति शतक और एक श्रृंगार शतक, तीन किताब इनकी बहुत फेमस है। और इनका जो, इनकी जो समाधि स्थल है वो राजस्थान में है, ठीक है, सरिका में। भर्तहरि जी जो थे वो इन्हीं के कजिन भाई थे चंद्रगुप्त, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि थी, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि, जो गुप्त वंश के थे, समुद्रगुप्त के बाद जो रामगुप्त आता है, और रामगुप्त के बाद कौन आते हैं, चंद्रगुप्त आते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि कहते हैं। सक संवाद इन्हीं के समय चला था, चांदी के सिक्के सबसे पहले इन्हीं ने चलवाए थे, और ये कहां थे, ये उज्जैन इनको अपनी राजधानी बनवाए थे, और सबसे पहले जो नौ रत्न थे वो भी इन्हीं के दरबार में थे, और कालिदास जैसे महान व्यक्ति भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, समझ में आ रहा है। और ये जो थे, ये भर्तहरि की जो कहानी थी, एक बहुत ही अलग ही प्रचलित कहानी है इसकी, कि जो भर्तहरि जी जो थे वो क्या करते थे, जब वो राजा थे, कहां के, वो उज्जैन के राजा भर्तहरि थे सबसे पहले, तो भर्तहरि को एक, उनकी एक प्रिय से उनको प्यार हो गया था, जिनका नाम था पिंगला, तो उस पिंगला से प्यार हो गया था। मगर पिंगला जो थी वो किससे प्यार करती थी, वो उनके सेनापति से प्यार करती थी, और सेनापति किससे प्यार करता था, एक दासी से, और वो दासी किससे प्यार करती थी, भर्तहरि से। तो पूरा लव ट्राइंगल यहाँ पे चल रहा था। तो एक बार जब कौन आए, गोरखदास, गोरखनाथ इनके गुरु है ना, जिन्हें नाथ संप्रदाय का प्रतिपादक माना जाता है। तो जब वो आए, और जब वो आए उनको एक फल देते हैं, और उनको जब फल देते हैं किसको, भर्तहरि जी को, कि आपको ये फल देते हैं, अगर ये, आप ये फल उसको दे दिए जो आपकी सबसे प्रिय है, तो ये अपना फल किसको देते हैं, पिंगला को, कि वो हमेशा खूबसूरत रहे। उसके बाद पिंगला क्या देती है, अपनी प्रिय चीज को देती है सेनापति को, सेनापति किसको देता है, दासी को देता है, दासी किसको देती है, भर्तहरि जी के पास। तो वो लौट के भर्तहरि जी के पास आता है, तो भर्तहरि को समझ में आ जाता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, और इसी चीज में उनको क्या करते हैं, उस समय से वहां से वैराग्य जीवन ले लेते हैं और चले जाते हैं। और उसके बाद अपना राजपाट किसको देते हैं, अपने कजिन चंद्रगुप्त द्वितीय को, और फिर उसके बाद वहां का राजा कहलाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसलिए आप कभी वहां पे जाओगे, वो गुफा आज भी देखने मिलती है, भर्तहरि की गुफाएं जो परमारकालीन है, 11वीं शताब्दी की है, रंगीन गुफाएं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और कौन से, एकदम छिप्रा नदी के किनारे हैं भर्तहरि गुफाएं, और इनके भतीजे गोपी चंद की भी गुफाएं आपको वहां पे देखने मिलेगी। ठीक है, समझ में आया। तो इसको लिख लीजिए, ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकल के आते हैं यहां से। तो समझ में आया आपको मैंने क्या बात किया, मैंने बात की भर्तहरि की गुफाएं, और भर्तहरि में क्या होता है, ये अपने आप पे राख लगाते हैं, क्योंकि वैराग्य जीवन अपनाए हैं, तो फिर राख लगाते हैं, तो राख लगाने से क्या हो जाते हैं, काले, तो काले, तो इन दोनों को आपको याद रखना है कहां पे, उज्जैन में। अब हम चलना है हमें कहां पे, अब हम चलते हैं मुरैना, कहां चलते हैं, मुरैना, लिखिए मुरैना में देखते हैं हम कौन सी गुफाएं हैं। मैंने बताया था नागाजी का मेला, क्योंकि नाग कैसा होता है, मुड़ मुड़ के चलता है, तो मुरैना, ठीक है। अब मुरैना में हम देखते हैं कौन सी गुफाएं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां भी दो गुफाएं देखने मिलती हैं, कौन कौन सी दो, एक मिलती है लिखी राज, और इसी को बोलते हैं लिखी छाज, और दूसरी है पहाड़गंज की, पहाड़गंज की गुफाएं, ये दो गुफाएं आपको याद रखना है कहां पर, डिस्ट्रिक्ट मुरैना, ठीक है। अब यहां पे देखिए लिखी राज, अगर हम कोई राज की चीज अगर लिखते हैं तो हमें उसको, हम कोई राज की चीज लिखते हैं, हम लिखते किस पे, पेज में, तो हमें पेज को क्या करना पड़ेगा, मोड़ कर रखना पड़ेगा। कोई अगर राज की बात अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, उसको कोई पेज में अगर हम लिख रहे हैं तो उसको हमें मोड़ कर रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको याद रखना है लिखी राज की गुफाएं कहां पर है, मुरैना में, ठीक है। और आपको पता होगा ये जो गुफाएं है कौन सी नदी किनारे है, आसन नदी। क्वेश्चन आया हुआ है, कुंती ने अपने पुत्र कंड को किस नदी पर बहाया था, क्वेश्चन है व्यापम का, कुंती ने अपने पुत्र को किस नदी पर, सूर जो उनका पुत्र था कर्ण, है ना, जो शूद्र जनजाति का था, जिसे कभी राजा का दर्जा नहीं मिला, अगर आपने महाभारत देखा होगा तो वो जो है, तो उसको किस नदी में, अगर
बहाया था, तो आप बता सकते हैं आसन नदी जो कि मुरैना में पाई जाती है उसी किनारे है लिखीराज गुफा। और यहां पर कितनी 88 गुफाएं का समूह है, 88 गुफाएं का समूह है। क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस नदी किनारे हैं और कितनी गुफाएं हैं। और पहाड़गंज से याद रख सकते हैं आप, पहाड़ कैसे होते हैं, पूरे मुड़े हुए होते हैं, कैसे होते हैं, पूरे मुड़े हुए पहाड़ देखने मिलते हैं, कैसे देखने मिलते हैं, मुड़े हुए पहाड़। तो ठीक है, तो दोनों जो गुफाएं हैं कहां देखने मिलेगी, मुरैना में। क्लियर, याद हो गया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अब एक लिखिए खंडवा। खंडवा में भी कुछ गुफाएं देखने मिलती है, एक बहुत प्रसिद्ध गुफाएं है यहां से, कौन सी तो बताएगा, काजल रानी की गुफाएं। एक और प्रसिद्ध है ओम कालेश्वर, ओम कालेश्वर में है, कौन सी ऐसे लिखिए शंकराचार्य की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं, ये कहां पर है, ओम कालेश्वर। ये 3 गुफाएं देखने मिलेगी, अब ये वाली गुफाएं तो आपको आराम से याद रहेगी, शंकराचार्य, शंकर जी को के लिए क्या है, ओम, शंकराचार्य के लिए ओम है ना, शंकराचार्य के भगवान से आप रिलेट कर सकते हो ओम से। शंकराचार्य की गुफाएं कहां पे है, ओम कालेश्वर, और ओम कालेश्वर कहां पर है, खंडवा में है। ठीक है, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है यहां पर, मदनता पर्वत भी है, एक गुफाएं हो गई। दूसरी चीज आप ये कि यहां पे जल आ रहा है, और जल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खड्डा करना पड़ेगा, तब तो जल निकलेगा, भूमि का जल अगर हमें निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा, मतलब खड्डा करना पड़ेगा, तब हमें जल मिलेगा। तो काजल रानी की गुफाएं कहां पर है, खड्डा में। और जो भूमि होती है, भूमि से हमें जल निकालना है, तो भूमि क्या होती है, हमारी माँ के समान होती है, तो मृतिका से जोड़ लेना तो काम बन जाएगा आपका। तो कहां पर मिलेंगी आपको, खंडवा में। ठीक है, काजल रानी की गुफाएं, शंकराचार्य की गुफाएं, और सात मृतिका की गुफाएं कहां देखने मिलेंगी, खंडवा में। क्लियर, चलिए अगला लिखिए, एक गुप्तेश्वर की गुफाएं लिखिए, छिंदवाड़ा, गुप्तेश्वर की गुफाएं। और आपको पता है कोई भी चीज अगर हमें गुप्त रखना पड़ेगा तो कहां पे रखना पड़ेगा, किससे बचा के रखना पड़ेगा, कान को, और कान को क्या बोलते हैं, छिंदवाड़ा, क्या बोलते हैं, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा लिख लीजिए, क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी बात अगर हमें गुप्त रखना पड़ेगा तो कहां पे रखना पड़ेगा, कान में, और कान में, इसलिए मैंने आपको बताया था कान्हा बाबा का मेला भी कहां लगता है, बताया था शोल्डर के ऊपर होता है, कान तो सोडलपुर हरदा में लगता है। एक और लिखिए, छिरझिरी की गुफाएं कहां पे मिलती है, ये कटनी, कहां पे मिलती है, कटनी, चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध है कटनी। क्लियर, एक और लिखिए, सबको पता है ये तो, आला उदल की गुफाएं कहां पर है, कहां पर है, मैहर।
हाला उदल गुफाएं कहां पर है? मैयर। मैयर क्यों प्रसिद्ध है? मैयर को क्या बोला जाता है? संगीत नगरी, अलाउद्दीन खां के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर 1979 में संगीत एकेडमी की स्थापना हुई थी। और आला उदल दो वीर थे जो परमावी देव के वंश, चंदेल वंश का जो राजा परमावी देव थे ना, उनके साथ था ये। और ये पृथ्वीराज तृतीय के साथ जब युद्ध हुआ तब इनकी डेथ हो जाती है। और जगृत ने इनके लिए आलाखंड भी लिखा है, जिस पर 52 लड़ाइयों का वर्णन है। बहुत फेमस है आलाखंड। पूछा जाता है, जब अपन साहित्य पढ़ेंगे, लॉरियाड्स पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो आला उदल की गुफाएं कहां देखने मिलेगी आपको? मैहर। आप मैहर जाओगे तो सीधे जाके आपको एक चौक पड़ता है अलाउद्दीन खां, वहीं पे इसका म्यूजियम भी है। सरोद बजाते थे, इनके घर में जन्म हुआ है सरोद का। सरोद जो एक वाद्य यंत्र है, उसका जन्म जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? अलाउद्दीन खां का। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अल्लाह रखा खां, कंफ्यूज नहीं होना, अल्लाह रखा खां क्या बजाते हैं? तबला। हुसैन साहब क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं, ठीक है? और बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई। डेथ हो चुकी 2001 में, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। और उसी समय लता मंगेशकर जी को भी मिला है, जो हमारे यहाँ जिनकी डेथ हो चुकी है ना, जिन्हें स्वर सामग्री के नाम से जाना जाता था, मिलियंस ऑफ वॉइस भी कहा जाता था उनको, ठीक है? चलिए, तो आला उदल की गुफाएं कहां देखने मिलेगी आपको? मैयर में। ये तो आपको याद ही रहेगा। एक और लिखिए, घोड़ा मूड़ा की गुफाएं। घोड़ा मूड़ा की गुफाएं कहां पर है ये? कहां पर है? डिंडोरी। कहां पर है? डिंडोरी, ठीक है? अगला लिखिए, डिंडोरी। अगला लिखिए सागर। सागर में देखते हैं, मैंने बताया था आपको कि सागर में सबसे पहले सूर आता है, तो सूर्य प्रकाश पेपर कहां से निकलता है? कहां से निकलता है? सागर से। मैंने बताया था धमधम जब चलते हैं तो लहरें उठती हैं, तो कहां से धमनी और उसका मेला कहां लगता है? सागर में। और सागर में क्या है? रहस्य। तो रहस्य गड़ा हुआ है, तो रहस्य का मेला गड़ा कोटा सागर में लगता है, बताया था ना। और हम आप फिर आ गए सागर में। तो सागर में हमें देखना है अब गुफाएं कौन सी है। तो यहाँ पे दो गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है, एक है आबचंद। आबचंद की गुफाएं और एक रॉक सेल्टर की गुफाएं। रॉक सेल्टर की गुफाएं। अब देखिए, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब क्या होता है? पानी। तो आब और सागर पानी से ही जुड़ा हुआ है, तो आबचंद की गुफाएं सागर में जोड़ लीजिए। रॉक सेल्टर मतलब नमक, और नमक भी कहां बनता है? सागर में। कोई बताएगा नमक जो बनता है उसकी प्रोसेस क्या होती है? कोई बताएगा कौन सी प्रोसेस से होता है? हाँ, एवोपरेशन मेथड से। क्या होती है एवोपरेशन मेथड? मतलब वाष्पोर्जन। क्या होता है कोई बताएगा? क्या होती है वाष्पोर्जन? एवोपरेशन। अभी बारिश का, गर्मी का टाइम आया था, एक वाटर साइकिल या एक जल चक्र आपने पढ़ा होगा, है ना? क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी जहां पे पानी रहता है वहां पे पड़ती है, तो जो गर्म हवाएं होती है वो ऊपर उठती है, तो गर्म हवाएं हल्की होती है और ये ऊपर जाके क्या करते हैं? बादल बना लेते हैं वहां पे, कंडेंसेशन, संघनन प्रोसेस से। और फिर वही वापस क्या होती है, जब वो भारी हो जाती है वो बूंद, तो वो प्रेसिपिटेट या बारिश के रूप में जमीन में गिरने लगती है, तो पूरा चक्र चलता है। एवोपरेशन का मतलब है, वाष्पोजन का मतलब यह है कि सीधे कि जो सूर्य की रोशनी हमारे पे पड़ती है ना, तो उससे क्या होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और उसमें जो गर्म हवाएं होते हैं वो क्या होती है, वो ऊपर उठती है, और ठंडी हवाएं जो भारी होती है तो वो नीचे आती है। इसलिए आपने जनरली देखा होगा एसी ऊपर लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो ठंडक जो होती है, ठंडी हवा नीचे आएगी। नीचे भी तो लगा सकते थे, मतलब लॉजिक क्या है? फ्रिज का जो रेफ्रिजरेटर होता है वो ऊपर ही क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है जिससे वो नीचे आएगा, ये लॉजिक है। समझ में आ रहा है? तो आप का मतलब होता है जल, और जल मतलब सागर, और रॉक सेल्टर मतलब नमक, और नमक जो होता है वो कहां मिलेगा? सागर ही में मिलता है। उससे आप जोड़ सकते हो, आपका काम बन जाएगा। तो याद रखना आपको रॉक सेल्टर की गुफाएं और आप चंद की गुफाएं कहां देखने मिलेंगी, कहां पे देखने मिलेगी?
सागर, और इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बताया था मैंने आपको सागर को, ठीक है। और बीना नदी भी यहीं पर है, भालकुंड डैम भी, भालकुंड जलप्रपात भी यहीं पर है, बताया था। और एरण अभिलेख जहां पर सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेख मिला था 510 बीसी में, भानुगुप्त जो गुप्त वंश से संबंधित थे, वो भी कहां पर है, सागर में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहां पर है, सागर में, सागर में जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी बोला, ठीक है। सबसे पहला विश्वविद्यालय था हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी विद्यालय, कहां पर है, सागर में, 1946 में बना था। यहीं पर डीएनए एकेडमी कहां पर है, यहीं पर है, ठीक है। तो सब चीज कहां पर है, सागर में। चलिए और कौन सी गुफाएं बची, बिलोवा की गुफाएं लिखिए, बिलोवा, बिलोवा को जोड़ना है आपको, बिलोवा मतलब ग्वालियर लिखिए। अब ग्वालियर से आपको जोड़ना है ग्वाल, और ग्वाल आपको मैंने बताया था जो गाय का काम करते हैं, मतलब उनके पास दूध या दही होगा। तो बिलोवा मतलब बिल्ली, और बिल्ली को क्या पसंद है, दूध। तो कहां पे आएंगी वो, ग्वालियर में। तो आपको बता देना है बिलोवा की गुफाएं कहां मिलती है। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये गदेरी नदी के किनारे है, गदेरी नदी के किनारे है। तो क्लियर आप लोग को समझ में आ गया, क्या बताया, बिल्ली, और बिल्ली को क्या पसंद है, दूध और दही, और दूध और दही कहां मिलेगा, ग्वालियर में। यहीं पे मैंने गा से बताया था, गोपांचल पर्वत में है ग्वालियर का किला, और गोपांचली पर्वत में है बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, कौन सी, सिद्ध बाबा, 1172। अरे सुन रहे, चलिए और कौन सी गुफाएं बची हमारी, नवेरी की गुफाएं लिखा दिया, नहीं ना लिखिए, नवेरी की गुफाएं कहां पर है, नवेरी की गुफाएं को आपको ऐसे रिलेट करना है कि भोपाल क्या होता है, सिटी ऑफ लेक कहा जाता है ना, झीलों की भूमि, और झील है तो वहां पर नाव चलेगी, तो नाव से जोड़ना है नवेरी से भोपाल, ठीक है, समझ आ रहा है, नाव से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, नाव से, तो जो नाव होते हैं, समझ आ रहा है ना, नाव, नाव कहां चलेंगी, झील में, तो आप उससे जोड़ सकते हैं क्या, भोपाल में, क्लियर। कितनी गुफाएं होंगी हमारी, हो गई, इंदौर में कोई गुफाएं नहीं है, रायसेन की लिखवा दिया ना, और डिंडोरी की भी हो गई हमारी, और छिंदवाड़ा की भी हो गई, और सागर की भी हो गई, और चलिए टीकमगढ़ लिखिए, टीकमगढ़ इसी से अलग होकर नया जिला बना है, कौन सा, निवाड़ी। यहां पे भी दो गुफाएं आपको बहुत देखने मिलेगी, एक है सिद्धराज की गुफाएं, सिद्धराज की गुफाएं, और एक देखने मिलेगी, एक सिद्धराज की गुफाएं देखने मिलेगी और दूसरी गुफाएं यहां पे देखने मिलेगी, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर गुफाएं। अब याद रखिए, जो सिद्ध पुरुष होगा, जो सिद्ध पुरुष होगा वो क्या अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगा, जो सिद्ध पुरुष है वो अपने सामने क्या होगा, किसी को टिकने नहीं देगा, क्या नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। जो सिद्ध पुरुष होगा वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगा, और चंद्रशेखर आजाद भी अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते थे, समझ में आ रहा है। इनका जन्म कहां पे हुआ था, भावरा अलीराजपुर में, 23 जुलाई 1906, और
फरवरी 1931 में इनकी डेथ हो गई थी, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। मगर इनकी छतरी कहां पे देखने मिलती है, कहां पे, ओरछा में, है ना। ये अपने पिताजी को बता के जा रहे थे सीताराम तिवारी को कि मैं जा रहा हूँ शास्त्र सीखने बनारस, और बीच रस्ते में इनको गांधी जी से साथ मुलाकात हो जाती है और वहीं पे मिलके ये क्या करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। चलिए इसके बाद हम कहां गए, मंदसौर, लिखिए मंदसौर। मैंने आपको बताया था गांजा खाने से, सॉरी अफीम खाने से क्या होती है, बुद्धि मंद होती है, तो अफीम कहां मिलता है, मंदसौर में। स्लेट का एकमात्र खाना, जब मंद हो गई बुद्धि तो स्लेट क्या होता है, पढ़ने लिखने के लिए उपयोग होती है, तो पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाएगी, तो स्लेट का एकमात्र खाना खाना कहां पर है, मंदसौर में, समझ रहे हो ना। यहाँ के लोग क्या खाते हैं, अफीम खाते हैं, अफीम खाते हैं तो बुद्धि क्या हो गई, मंद, तो मंदसौर में मिलता है अफीम। दूसरी, जब बुद्धि मंद हो गई तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे कहाँ, तो उनको क्या देना पड़ेगा, स्लेट, ठीक है। तो स्लेट की एकमात्र कारखाना कहाँ पे है, मंदसौर। और मैंने बताया तो मंदसौर में ही रावण को क्या कहता है, पूजा जाता है। तो भाई ये माँ से मंदोदरी जोड़ना, तो मंदोदरी जो थी वो यहीं की थी, तो रावण की इज्जत मतलब दवान की इज्जत कहाँ पे होती है, ससुराल में, तो कहाँ पे होगी, यहाँ उसकी पूजा की जाएगी। शिवना नदी किनारे है, और रावण किसको मानता था, शिव को, तो शिव शिवना नदी किनारे है, और शिव का ही एक रूप है पशुपतिनाथ, तो पशुपतिनाथ मंदिर भी कहां पे होगा, कहां होगा, मंदसौर में, समझ में आया। और अब यहां पे गुफाएं लिख लीजिए, यहां पे दो बस आपको याद रखना है, एक लिखना है धर्म, धर्म राजेश्वर, अपन ने पढ़ा भी था ना, इसका मेला भी लगता है यहां पे, और दूसरा धमनार, धमनार, धर्म राजेश्वर और धमनार का वो मेला लिख रहा हूं मैं, धर्म राजेश्वर की गुफाएं, ये 16वीं 17वीं शताब्दी की हैं, ठीक है। और धमनार की गुफाएं भी 4वीं 5वीं शताब्दी की हैं। और याद रखिए धर्म राजेश्वर, जो धर्म की सबसे ज्यादा रक्षा किया और जो धर्म सबसे ऊपर हुआ है, वो कौन सा था, बौद्ध धर्म, याद रखिए। इसलिए दोनों गुफाएं किससे संबंधित हैं, बौद्ध धर्म। ऐसा कुछ रिलेट करके आप अगर पढ़ेंगे तो शायद तक आपको याद रहेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाता है, क्योंकि पेपर में थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता है। समझ में आ रहा है कि जो सिद्ध पुरुष होंगे वो अपने सामने किसी को टिकने नहीं देंगे, तो टीकमगढ़ और चंद्रशेखर आजाद भी अपने सामने किसी को टिकने नहीं देते, तो दोनों गुफाएं कहां मिलेगी, टीकमगढ़ में। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मंदसौर की। तो जो मंदसौर है हमारा, तो हमने बताया था मंदसौर का, मैंने आपको बता दिया ना कि अफीम सबसे ज्यादा, अफीम कहां मिलेगी, अफीम खाने से क्या होता है, मंद बुद्धि, तो अफीम सबसे ज्यादा कहां मिलता है, मंदसौर। अब अगर मंद बुद्धि हो गई तो वहां पढ़ाई लिखाई सब छूट गई, तो हम उनको क्या देंगे, स्लेट। तो स्लेट का एकमात्र कारखाना कहां पे है, यहीं पर है। फिर मैंने बताया माँ से मंदोदरी जोड़ना है आपको, तो मंदोदरी कहां की थी, यही थी। और मंदोदरी की शादी किसकी हुई थी, रावण के साथ। तो रावण की जो इज्जत होती है वो कहां पे होती है, ससुराल में होती है, उनके दामाद जो हुए ना, तो उनकी कहां पे इज्जत हुई, तो यहां पे उनकी पूजा की जाती है। और रावण किसकी पूजा करता था, जो अपना सिर चढ़ा देता था, किसको, शिव भगवान को। तो शिवना नदी भी कहां बहती है, मंदसौर में बहती है, समझ में आ रहा है। और शिव है, तो शिव है, तो उनका एक रूप भी वहां मिलेगा, पशुपतिनाथ मंदिर कहां मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। एक दशपुर अभिलेख, दशपुर अभिलेख, दशपुर इंस्क्रिप्शन, दस, मैंने बताया ना रावण कितने सिर थे, दस, तो कहां मिलेगा, यहीं पे। मगर वो किससे संबंधित था, यशो वर्मन से संबंधित था, ठीक है, जहां पे रेशम बुनकर के बारे में पता चलता है, जो सबसे पहला विज्ञापन अभिलेख भी कहा जाता है, क्लियर। बाकी बहुत से अभिलेख है, एक सूपिया अभिलेख है, ठीक है, चलिए। तो और हाँ, फिर मंदसौर आ गए हमने, तो मंदसौर मैंने बताया था आपको दो याद रखना है, जो मंदसौर में एक धर्म राजेश्वर की और एक धमनार की गुफाएं हैं, और अपने धर्म को सबसे ऊपर जो किया है वो कौन किया है, बौद्ध धर्म। तो ये जो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो धर्म राजेश्वर 16वीं-17वीं शताब्दी की थी, और धमनार जो थी वो 4वीं-5वीं शताब्दी की। क्लियर, सब चीज क्लियर है, चलिए। अब लिखिए
कौन सी गुफाएं हैं? लिखिए सिंगरौली। अब देखिए सिंगरौली, सिंगरौली में क्या आ रहा है? रौली, मतलब अगर हम किसी को मार दिए, अगर हम किसी को क्या किए, मार दिए, तो वो क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। तो मारा की गुफाएं कहां पे हैं? मारा की गुफाएं कहां हैं? मारा की गुफाएं सिंगरौली में है। और बस ये याद रखना है आपको, किसी को अगर हम मार दिए तो वो कहां चले जाएगा? बौद्ध धर्म अपना लेगा। तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है। सिंगरौली ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी कहा जाता है। बेड़न इसका मुख्य केंद्र है, भोपाल से सबसे दूर डिस्ट्रिक्ट है, और मैंने आपको बताया था ये सबसे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी? सिंगरौली। और रिलायंस अपना प्लांट लगाया है यहाँ पे, और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में उत्सर्जन में सबसे ऊपर है सिंगरौली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोयले का बहुत ज्यादा खनन होता है, और नॉर्थ कोल्ड फील्ड में आती है सिंगरौली, है ना। और सिंगरौली की बात अगर हम कर रहे हैं तो सिंगरौली में एक गुफा है जिसका नाम है मारा की गुफाएं। और मारा की मतलब हमने किसी को मार दिया तो वो क्या करेगा? रोने लगेगा, मतलब रोली, इसे याद रखिए। और ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, बुद्धिज्म, ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित है, मतलब उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, ठीक है, क्लियर। अब इसी की तरह से एक कंफ्यूजन एक और यही नीचे लिखिए, सारो मारो की गुफाएं कहां पर है? कहां पर है सारो मारो की गुफाएं? सारो मारो, सारो मारो की गुफाएं कहां पर है? सारो मारो की गुफाएं कहां पर है? कोई बताएगा? सात से सीधे लगा देना, सियोर। क्या लगा दोगे? सारो मारो की गुफाएं, सात से क्या जोड़ना है आपको? सिहोर। कहां पर है? सिहोर में है, क्लियर। और कौन सी गुफाएं बची हमारी? गुप्तेश्वर की गुफाएं हो गई, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं हो गई, है ना, पांडव की गुफाएं बची है, मतलब हमारा होशंगाबाद बचा है। लिखिए होशंगाबाद। और मैंने बताया था अगर राम जी सामने आ गए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हमारे होश उड़ जाएंगे। तो राम बाबा का मेला कहाँ लगता था? होशंगाबाद में। होशंगाबाद जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गई है, और नर्मदापुरम में यहाँ पे भी दो गुफाएं आपको देखने मिलेगी, बहुत फेमस है। एक तो है आदमगढ़, आदमगढ़ की, ये शैल चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये भी शैल चित्र। मैंने एक फैक्ट आपको भूल गया लिखवाना है, बाघ की गुफाएं में चलिए जरा, ये थी हमारी बाघ की गुफाएं। ये जो हमने बाघ की गुफाएं आपने लिखवाया था ना, इसमें एक फैक्ट और लिखिए, यहां पे जो चित्र मिलते हैं बने वो मोन्टार के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? फासिको मोन्टार के। लिखिए पूछा गया है, मोर्टार चित्र के मिलते हैं। मोर्टार चित्र के मिलते हैं, मोर्टार चित्र के मिलते हैं। हो गया? चलिए, जो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, और एक गुफाएं और मैंने आपको कौन सी बताया? यहां पे आप लिखिए पांडव गुफा, पांडव गुफा। और पांडव गुफा कहां पे है? पास याद रखते हो, पचमढ़ी। क्यों? क्योंकि लोग पांच लोग थे,
कुंती के जो पुत्र थे वो पांच थे, इसलिए उनको पांडु कहा गया, पांडु पुत्र कहलाते थे, उनके पिताजी का नाम पांडु था, जिनकी पत्नी थी कुंती, उनके पांच पुत्र हुए थे इसलिए उनको पांडु कहा जाता था, ठीक है, और उनके बड़े भाई थे कौरव, ठीक है। तो पांडव जो बोलेंगे तो पचमढ़ी पांच, और पचमढ़ी कहां पे है, होशंगाबाद में है, तो आप उससे जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आदमगढ़ की गुफाएं कहां पे देखने मिलेंगी, ये प्रागैतिहासिक काल होती है, ये भी लिख लीजिए, ये कैसी थी, प्रागैतिहासिक क्लियर। और कौन सी गुफाएं, कोई और गुफाएं बची, मेरे ख्याल से काफी हो गई हैं, कितनी हो गई, 31 हो गई है ना, और कोई बची है क्या, और कोई गुफाएं जो याद हो आप लोग को, ऐसे न हो गया ना, छिंदवाड़ा भी हो गया ना, कंप्लीट हो गई है मेरे ख्याल से, 31-32 गुफाएं हो गई है हमारी, है ना, ठीक है। और ग्वालियर मुरैना भिंड में तो कोई नहीं है, चलिए देख लीजिए एक बार, सफिशियंट इतनी जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको सब बता दिया। चलिए यहां से हमने शुरू किया था, एक रायसेन में देखा था सबसे पहले भीमबेटका की गुफाएं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं और पार्वती की गुफाएं, यहां पे आपको जोड़ना है किससे, रासन से, है ना, कि भीम का जो बेटा होगा, इसका बेटा था घटोत्कच, उनकी माँ का नाम था हिडम्बना, जिनका मंदिर मैंने आपको बताया था पुष्कर में देखने मिलेगा, जहां पे गधों का मेला लगता था, बताया था ना। तो भीम क्या करेगा, राशन चाहिए उसको भी, मृगेन मतलब शेर तो इसको भी चाहिए, और पार्वती जो होते हैं उनका बेटा गणेश जी है तो इनको भी राशन चाहिए, तो इससे आप जोड़ सकते हैं। भीम बेटे की गुफाएं अब्दुल्लागंज में है, विश्व की सबसे बड़ी गुफा समूह है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब बता दीजिए, जिसमें आपको लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, कोई एविडेंस नहीं मिलती है, विष्णु वाकट पति ने खोज की, और यूनेस्को 2003 में शामिल हुआ है। हमारे यहाँ तीन जगह, तीन, 1986 में खुजराहो शामिल था, 1989 में सांची, सांची भी रायसेन में है, मगर वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, और वहां पर एक बौद्ध यूनिवर्सिटी बन रही है, और सांची विश्वविद्यालय 2012 में बना था, क्लियर। और इसके बाद मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, और फिर पार्वती गुफाएं। इसके बाद हम आए धार, और धार में आपको याद रखना है धार से, आपको धार ही याद रखना है, तो बाकी गुफाएं लखनऊ में क्या होता है, धार होती है, लोहानी लोहार की धार में क्या होती है, धार होती है, सात फुट भी कहां होता है, घर में होता है, ठीक है। तो और बाकी गुफाएं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, और बाहर आ तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित, इसकी खोज किसने की थी, प्रोफेसर फील्ड ने करी थी 1880 में, रॉक कट केप कहते हैं, उसको कंपेयर अजंता से करते हैं, क्योंकि अजंता भी किसने बनवाई थी, गुप्त काल, तो ये भी कौन सी होगी, गुप्तकालीन, कितनी है, 9 है, ठीक है। एक और चीज याद रखिए, क्या मोर्तार चित्र मिलते हैं, कहां पे मिलते हैं मोर्तार चित्र, कहां मिलते हैं, बाघ की गुफाएं में, बाघ की गुफाएं में, याद रखिए, ठीक है। इसका हमने क्या उदयगिरी, तो गिरने से बस याद रखना आपको, गिरना मतलब डायरेक्शन, अगर जो गिर जाएगा उसको क्या होगा, दिशा नहीं मिल पाएगी, तो आप याद रखना उदयगिरी और खंडगिरी कहां पे होती है, विदिशा में, है ना। तो 20 होती है, 2 से 5 वहां लोकल भाषा में पांडव गुफा कहते हैं, और हिंदू और जैन धर्म संबंधित, और 5वीं भारत से संबंधित, और 19वीं अमृत गुफा है, और गुप्तकालीन गुफा है, ठीक है। और खंडगिरी तो आपको बता दिया, बौद्ध और जैन से संबंधित है। फिर उज्जैन हमने बृहतरी को बताया था, जिसको मैंने बताया था राख से, कि बृहतरी जी क्या करते थे, बैराग्य जीवन अपना लिए, तो राख लगाते, तो राख लगाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, काले, तो कालिया देव की गुफा भी कहां मिलेगी, उज्जैन में। और बृहतरी की गुफाएं परमार कालीन होती है, 11वीं शताब्दी में बनी थी, रंगीन गुफाएं होती थी, और चिपका नदी किनारे है। उसके बाद हम आए थे मुरैना, और मुरैना में हमने बताया था कोई राज अगर छुपा के रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राज अगर छुपाना है तो पेज को मोड़ कर रखना पड़ेगा, तो मुरैना जोड़ देना, पहाड़गंज, तो पहाड़गंज की गुफाएं भी कहां पे है, क्योंकि पहाड़ क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, तो कहां पे है, मुरैना। और इस पे आसन नदी किनारे और 88 गुफाएं हैं, कहां पर,
लिखी राजगुफाएं में। इसके बाद हमने आया खंडवा, और खंडवा मैंने बताया था आपको जल, तो काजल में जल आ रहा, तो जल अगर निकालेंगे तो भूमि से, तो खंड तो करना पड़ेगा, तो काजल रानी गुफाएं खंडवा। शंकराचार्य, शंकराचार्य को ओम से जोड़ सकते हैं, तो ओम कालेश्वर तो भी खंडवा, और सत माता, और जो पृथ्वी क्या होती है, माता होती है, तो मृतका से खंडवा जोड़ सकते हैं, क्लियर। इसके बाद गुप्तेश्वर, गुप्त रखना पड़ेगा, तो कान, और कान में क्या बोलते हैं, छिंद, क्या बोलेंगे, छिंदवाड़ा। और इसी का अभी एमपीपीएससी में कल ही क्वेश्चन आया था, अपन ने पढ़ा था, अगर आपने पेपर देखा होगा, गोट मार का मेला मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे कम सेक्स लिंगानुपात है कहां पे मिलता है, भिंड, डायरेक्ट क्वेश्चन आए मेरे, आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कल का पेपर में आप एनालिसिस करके देख लीजिए कितने क्वेश्चन अपने यहीं के फंसे हैं। जनसंख्या आपको मैंने पढ़ाया था, पंचायती राज, सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। इसके बाद झिरझिरी की गुफाएं कहां पे है, कटनी। आला उदल की गुफाएं आप जानते हैं कहां से, मैहर। घोड़ा मोड़ा की गुफाएं कहां देखने मिलेगी, टिंडोरी। सागर से आपको बता दिया जल, क्योंकि आपका आपका मतलब होता है जल, तो जल से जोड़ देना, और रॉक सेल्टर, तो नमक कहां मिलता है, सागर में। ग्वालियर मतलब क्या बोलोगे, ग्वाल, ग्वाल के यहाँ पे क्या, बिल्ली को जोड़ना, और बिल्ली कहां जाएगी दूध पीने, ग्वाल के यहाँ, तो बिलुवा की गुफाएं। नवेरी की गुफाएं, तो नाव से जोड़ना है, क्योंकि इसको सिटी ऑफ लेक कहते हैं, तो यहाँ पर नवेरी, यहाँ पे एक पहाड़ी भी है ना, पांच पहाड़ियों में घिरा हुआ है भोपाल, तो नाव से जोड़ देंगे तो भोपाल आ जाएगा। टीकमगढ़, और मैंने बताया जो सिद्ध होंगे उनके सामने कोई नहीं टिकेगा, चंद्रशेखर आजाद के सामने भी कोई नहीं टिकता था, तो टीकमगढ़। मंदसौर, तो मंदसौर का आपको बता दिया, धर्म राजेश्वर और धर्मनार, धर्म में सबसे ऊपर कौन था, बौद्ध, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और धर्मराज और धर्मनार कहां पे है, मंदसौर में। और सिंगरौली, तो मारा की, तो अगर कोई किसी को मार दे तो क्या होगा, रोएगा, और किसी धर्म में बौद्ध धर्म से संबंधित है। सारों मारों की गुफाएं बता दिया आपको, सात से शिव जोड़ सकते हैं, और होशंगाबाद में दो गुफाएं, पांडव गुफा, ये पांडव गुफा है पचमढ़ी में, और मैंने बताया था वहां से दो से पांच लोकल भाषा में उसको पांडव कहा जाता है, ठीक है, और ये पचमढ़ी में देखने मिलता है पांच, समझ में आ रहा है। और एक होती है आदमगढ़ की गुफाएं, आदमगढ़ की गुफाएं भी कहां पे, जो कि सेल चित्र के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक काल है, कहां पे, होशंगाबाद में, क्लियर। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब बाकी हम कल से देखते हैं, ठीक है, जय हिंद।